फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हम यहाँ से पीथमपुर से रीवा जा रहे हैं और हम ट्रेन में पार्सल करवाने के लिए सामान ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे घर का क्या क्या सामान है। कूलर है, बर्तन वगैरह है, और कुछ सामान है, पलंग है, गाड़ी है, और ये सारी चीज़ें, बर्तन की जाली है, ये सब हम लेके जा रहे हैं। तो आपको आज पूरा ब्लॉग हम दिखाएंगे कि कैसे घर का सामान ट्रेन में पार्सल होता है और कितना पैसा लगता है, कितना वजन का क्या वेट रहता है, क्या चार्ज रहता है। तो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। इस ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। चलिए मिलते हैं रेलवे स्टेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पिकअप आ गया है, जा रही है सामान लेके। स्कूटी में, ये स्कूटी भी हमें साथ ही लेके जाना है, पार्सल में पैक कराना है। तो अभी तो हम महू जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए हमारा सामान जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सामान रेलवे स्टेशन पे हमने रख दिया है और अब इसे हम पार्सल करवाएंगे। तो आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो ये सामान है हमारा। आप देख सकते हैं क्या क्या सामान हम ट्रेन से ले जा सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है, अभी हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको जानकारी हो सके। तो पिकअप से अभी उतर चुका है, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है और सामान हमने अभी यहाँ ला के रख दिया है। तो आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे हमारा सामान उतर चुका है, ठीक है। तो आगे इसकी प्रक्रिया क्या होगी हम देखते हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा सामान अभी पैक होगा, अभी हम जल्दी जल्दी भी घर से आ गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि टिफ़िन हम साथ लेके आए हैं। वहाँ से थोड़ा जल्दी आ रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए इस वजह से। तो चलिए अभी हम खाना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे होती है और क्या चार्जेस वगैरह है, ये सब हम आपको आज पूरा दिखाएंगे इस ब्लॉग में। अभी यहाँ पे कुली सामान रख रहे हैं, नाप रहे हैं और क्या कैसे रहेगा ये सब बताएंगे। तो यहाँ से सामान हमारा अभी यहाँ पे जा रहा है। क्या ये नाप नाप के करते हैं क्या? 62। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी नाप लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे वेट कैसे करते हैं ट्रेन का। बोलते हैं इस प्रकार का कांटा होता है, यहाँ पे इस तरह का कांटा रहता है जिससे वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे सामान ला रहे हैं, पूरा वेट कर रहे हैं। मुझे दिखा अपने आप इसमें हो जाता है ना। ये बराबर होना चाहिए है ना। 42 किलो, 3 सारा सामान 42 किलो में ले लगा देना तो चार दिन आप करके ले जाओगे तो कुछ अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पुरानी घड़ियाँ हैं, जो कि ये अलग तरीके की घड़ी है रेलवे स्टेशन पे, और जिसे वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, ये बराबर तक आ जाता है, तो वेट पता चल जाता है इसमें जितना भी रहता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग जानकारी के लिए देख सकते हैं कि कैसे हमारे सामान का वेट होता है। तो अभी हो चुका है, अभी देखते हैं कि वेट का कितना वेट होता है और कितना चार्ज लगता है, वो सब हम आपको बताएँगे। तो ये प्लाई जो हमारी है, ये इसका भी वेट कर लिया है। लंबाई कितनी? 184। लंबाई 184 है।
123 दो। अच्छा ये बताओ इसका लंबाई कितना नहीं होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर से चाहिए। 2 सेंटीमीटर से 100। ये तो ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं अभी पैसा निकालने आए हैं कि पेमेंट जो वहाँ पे हमें देना है रेलवे स्टेशन पर वो कैश लगेगा क्योंकि ऑनलाइन नहीं ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए आप हमेशा जब भी कभी बाहर ट्रेन में पार्सल कराने आए तो कैश लेके आए, क्योंकि गाड़ी में ट्रेन के साथ पार्सल कर रहे हैं, इसके लिए हमें आधार कार्ड और RC का फोटो कॉपी करा के देना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी ला रहे हो तो ये चीज़ें आपको पहले ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से महू से रैली निकल रही है, बहुत भीड़ है आप देख सकते हैं। किस चीज़ की रैली है पता करना पड़ेगा। उधर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप पार्सल कराने आते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आपको उस फॉर्म पे अपना पता, मोबाइल नंबर और कितना सामान आप भेज रहे हैं ये सारी चीज़ें लिखना पड़ता है। और इस फॉर्म में मैंने सब कुछ भर दिया है और इसका जो चार्ज है तो 5-6 हज़ार तक हमारा लगा है इतने सामान का, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामान हमने आपको दिखा दिया है और अब हमारी गाड़ी चेक हो रही है, तो आप देख सकते हैं गाड़ी की काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा रही है। और सारे सामान को इसी तरह से पैक कर देते हैं, बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है और सही तरीके से ट्रेन में चढ़ाया जाता है। ये इसमें थोड़ी सिलाई मार देना है ना, ये तो कच्ची सिलाई हम करके लाए थे ऐसे ही, और ये इसमें अलग से बांध देना, ये तार खुल ना जाए, इसको टाइट बांध देना। तो हमारा सामान पार्सल करवा दिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे, 1 से 1.5 घंटे टाइम लगा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं था और छोटा रेलवे स्टेशन है ये महू है, तो पैकिंग तो वगैरह सब हो गई है हमारी। फिर आगे आप लोगों को पता ही है कि रेलवे स्टेशन पे कैसे क्या होता है। अभी हम निकल रहे हैं और गाड़ी हमारी पार्सल हो चुकी है, अब हमें मैजिक से जाना है, तो चलते हैं घर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सामान रीवा पहुँच चुका है आप जैसा कि देख सकते हैं, और सारा सामान हमने लोडिंग गाड़ी में रख दिया। बोलो ना। तो ये आप देख रहे हैं जो हमारे हाथ में पेट्रोल है, इसे हमें रेलवे स्टेशन पे नहीं भरना है, गाड़ी हम साथ में लेके आए हैं तो इसे हमें बाहर ले जाना है, और सारा सामान हमारा टेम्पो में, सारा सामान हमारा लोडिंग गाड़ी में, हाँ सारा सामान हमारा लोडिंग गाड़ी पे हमने लोड करा दिया है। तो अगर हमने खुद से किया है, हमारे साथ कुछ लोग थे, और अगर आप लोडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, गाड़ी की भी और लेबर की भी। तो इस तरह से अपना सामान एक जगह से दूसरे स्थान तक आप रेलवे स्टेशन रेलवे के माध्यम से आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, और बहुत ही इजीली होता है। हाँ हमारा सामान 9 क्विंटल था सारा मिला के, उसका मिनिमम चार्ज हमने 2500 तक दिया था सामान का चार्ज वहाँ पे लोडिंग करने का और पैकिंग वगैरह सबका। और साइड हो जा, पैकिंग वगैरह सबका, लोडिंग पैकिंग वगैरह सबका मिला के मतलब 2500 सामान का दिया था और लोडिंग चार्ज अलग दिया था 1200 रुपये। तो
सारी चीज़ें मिला के 3-3.5 हज़ार के लगभग पड़ गई थी। और जो ये आपका लोडिंग गाड़ी वगैरह का होता है तो 4-5 हज़ार समथिंग पड़ जाता है, मतलब 9 क्विंटल सामान था गाड़ी वगैरह, गाड़ी मिला के 9 क्विंटल सामान था गाड़ी मिला के। तो इस तरह से ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, रीवा पहुँच चुके हैं। आप लोगों को हमारे ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी तो मिल ही चुकी है कि हम सामान को अपने हम अपने घर के सामान को रेलवे के माध्यम से कैसे दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था, हमें बहुत जानकारी नहीं मिल पाई थी यूट्यूब से, इसलिए हमने ये ब्लॉग बनाया है, आपके लिए मददगार साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।